साथियों नमस्कार आप सभी को मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी आप जल्दी जल्दी अपने साथियों को ऐड कर लीजिए और फिर हम कुछ बातें करते हैं हम लोग पाँच मिनट बाद अपनी जो आज का हमारा छोटा सा सेशन है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं सिर्फ पाँच मिनट हमारे पास हैं पाँच मिनट में कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी हैं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो भी साथी विश कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी का चलिए साथियों नमस्कार सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और हमारे भी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी जुड़ने वाले हैं हमसे वो हमारे साथी आते रहेंगे आपके जो भी कोई साथी हैं जो अभी रह गए हैं तो प्लीज आप उनको भी ऐड कर लीजिए और आज हम कुछ बातें आपसे करने वाले दोस्त सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कल आप लोगों ने मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं दी विला लेने के लिए ये आप सभी का साथ आप सभी के प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं और आप सभी का साथ और आप सभी का प्यार मुझे पता है जब तक मेरी आखिरी सांसें हैं और मेरे ना रहने के बाद भी ये प्यार आप लोगों का मिलता रहेगा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का जितने भी साथियों ने कल बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज भेजे बधाई दी कि सर एक खूबसूरत विला बुक करने के लिए परचेज करने के लिए तो कल जब मैं उसको आप लोगों के मैसेज को देख रहा था फेसबुक पे देख रहा था व्हाट्सअप पे देख रहा था सभी लोगों को मैं वाट्सअप नहीं कर पा रहा था सभी लोगों को आंसर नहीं कर पा रहा था सभी लोगों को थैंक्स नहीं बोल पा रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार फेसबुक पे आता हूँ और आप सभी साथियों का आप सभी भाइयों का आप सभी बहनों का मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया और इतनी बधाइयाँ दी आप लोगों ने कल मैं अगर अभी बात करूं अपने व्हाट्सअप को खोलूं आई थिंक हजारों मैसेज ऐसे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया तो मैं सभी साथियों से सॉरी बोलना चाहूंगा जिनके भी मैंने मैसेज के आंसर नहीं दिए क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा थे आंसर देना मुश्किल था आप सभी का लेकिन दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद दिल की गहराइयों से आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने कल मुझे बधाइयाँ दी कल मुझे आपने विश किया शुभकामनाएं दी दोस्तों मैं इस विला के पीछे एक राज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूं जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है मेरे बारे में ज्यादातर बातें आप सभी को मालूम है आप हम आप सभी हमारे साथी हैं आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं आप सभी को मालूम है जैसा कि आप सभी को मालूम है मैंने एसली पर्स वेलनेस को स्टार्ट किया था 29 सितंबर 2016 को 29 सितंबर 2016 को मेरा फर्स्ट चेक बना और जिस दिन मेरा फर्स्ट चेक बना था उस दिन मेरा एक हजार रुपये का चेक बना और आप सभी लोगों का भी एक एक हजार रुपये का चेक बना होगा जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में कुछ बातें रहती थी और कुछ बातें आप लोगों के माइंड में भी होती हैं कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा मेरे सपने पूरे होंगे नहीं होंगे मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा तो ये आदमी की लाइफ में एक कसमकस चलती रहती है जब भी कोई आदमी नए काम को स्टार्ट करता है तो मेरे माइंड में भी कसमकस चलती रहती थी क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो जब मेरा एक हजार रुपए का चेक आया उन्तीस सितंबर 2016 को तो मेरे माइंड में एक बात आ गई थी कि अगर यार एक हजार रुपए का चेक आ सकता है तो एक लाख का भी आ सकता है क्योंकि एक हजार का चेक जब आता है जब हमारे लेफ्ट और राइट में दो लोग जुड़ते हैं तो एक लाख का चेक भी हमारा आएगा अगर एक का आ सकता है तो एक लाख का भी आएगा तो सोच के अनुसार मैंने काम करना स्टार्ट किया और काम करते 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 आज आप लोगों के सामने हूँ मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी दिल्ली से दिल्ली की फर्स्ट आईडी मेरी लगी और 29 सितंबर 2016 को जब मेरी फर्स्ट आईडी लगी थी मैं द्वारिका पिलर नंबर आई थिंक 700 कुछ है अब तो मुझे कह रही याद नहीं है प्रॉपर 760 दिन सात के आसपास का एक पिलर नंबर है तो मैं उसके सामने एक फ्लैट था वहाँ पर हमारे एक साथी हमारे टीम में जॉइन है कपिल जाधवन साहब ठाकुर कपिल जादव सिंह वो रहने वाले अलीगढ़ के हैं वो रहते थे उस घर में तो मुझे उनके साथ रहने का उस घर में मौका मिला वो एक घर था छोटा सा घर था उसके अंदर मैं रहा और एक छोटा सा कमरा मुझे कपिल जी ने दिला दिया उसका चार हजार रुपये का रेंट था और चार हजार रुपये के रेंट को मैं मुझे देने के पास मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे चार हजार रुपये कैसे जाएगा लेकिन एक सोच थी एक होप थी कि हाँ कुछ होगा तो फिर मैं चार हजार रुपये का रेंट पे वहाँ में रहने लगा खाना एक टाइम खाना खाना नहीं बनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था कपिल सर का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर उन्होंने मुझे खाना बना बना के भी खिलाया है तो मैं लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में स्टार्टिंग टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है विजेंद्र सर सत्य प्रकाश सर जैसा राम सर संजय जी मनोज जी जगदीश जी कपिल मदान जी ठीक है त्रिपाठी जी लोकिंदर जी प्रेम साहब ये जितने भी लीडर्स हैं जो मेरे शुरुआती दौर के जो लीडर्स हैं ये मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कैसे कैसे अपनी लाइफ की वहाँ से स्टार्टिंग करी है तो मैंने वहाँ से काम करना स्टार्ट किया दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने दो बातें यहां से सीखी थी स्टार्टिंग में ही सबसे पहले मैंने एक ही काम किया मैंने एस वेलनेस को जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से लेके मैंने एस वेलनेस को सबसे पहले मैंने फर्स्ट पे रखा सेकंड मैंने अपनी फैमिली को रखा मैंने अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे ही बता दिया था कि मैं अपने बिजनेस में ज्यादा फोकस लगाऊंगा मैं आप लोगों से ज्यादा फोकस नहीं लगा पाऊंगा मुझे कुछ टाइम वहां पर देना पड़ेगा मुझे मेहनत करनी है क्योंकि मेरे ऊपर साढ़े दस लाख रुपए का लोन है साढ़े दस लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा है और मैं पिछली कंपनी को छोड़ के यहां पर आया हूं जो मेरे पिछली कंपनी के अपलाइन है वो मेरे बारे में एक ही बात बोलेंगे कुछ नहीं कर पाया वहां जाके फेल हो जाएगा और मेरी पुरानी कंपनी के जो मेरे अपलाइन थे वो एक ही बात सोचते थे कुछ नहीं कर पाएगा वहां जाके फेल होना ही होना तय है तो मुझे अपने आप को साबित करना था अपने आप को प्रूव करके मुझे दिखाना था कि नहीं मेरे अंदर कमी नहीं है कमी कहीं ना कहीं और थी तो मैंने काम करना स्टार्ट किया बहुत ज्यादा मेहनत करी बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया अपलाइन ने जैसा जैसा बोला मैंने ऐसा एस ऐसा काम करना स्टार्ट किया और मेरे शुरुआती दौर में शुरुआती दौर जब होता है जब एक आदमी को एक जरूरत होती है किसी भी आदमी को एक सहारा चाहिए होता है तो उस टाइम उस टाइम पे मेरा सहारा बना उस टाइम पे मेरा सहारा बना मेरी टीम और उस टाइम पर मेरे सहारे बने मेरे और मेरे अगर सबसे बड़ा रोल मेरे जिंदगी में किसी का रहा है तो उनका नाम आता है मेरे गुरु मेरे भगवान मेरे मेंटर मेरे मार्गदर्शक मेरे प्रेरणा स्रोत मिस्टर महिपाल गुरु जी का मैं जितना भी उनका धन्यवाद दू उतना ही कम है आज उनकी वजह से मेरी जिंदगी चार हजार रुपए के कमरे से आज सवा चार करोड़ रुपए का विला तक पहुंचा हूं सोचिए चार हजार रुपए किराए का कमरा और सवा चार करोड़ रुपए की विला तक आज मैं यहां पर पहुंचा हूं तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो पावर है उस पावर का नाम है महिपाल सर बहुत बड़ी पावर है बहुत बड़ी शक्ति है वो इनकी वजह से आज मैं यहां पर पहुंच पाया हूं सोचिए दोस्त अभी मुझे चवालीस पैंतालीस महीने हुए हैं चवालीस पैंतालीस महीने में आदमी के पास क्या क्या अचीवमेंट होते हैं मैं कुछ अचीवमेंट पे आपसे बात करने वाला हूं मेरी एज अभी अट्ठाईस साल का हूं मैं उनतीसवीं साल में मैं चल रहा हूं अट्ठाईसवीं साल का मैं एक अट्ठाईस साल का जो लड़का हो आपकी नजर में कोई भी हो हिंदुस्तान में उसके पास जाइए आप और उससे पूछिए तेरी ड्रीम क्या है तू क्या चाहता है और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं जो वो ड्रीम नहीं है ना उसके वो मैं अट्ठाईस साल की उम्र में पूरे कर चुका हूं सोचिए आप एक अट्ठाईस साल की उम्र में आदमी के पास क्या होता है एक लड़की के पास अट्ठाईस साल की उम्र में होता क्या है अपने नाम से बाइक हो जाए बहुत बड़ी बात होती है आज मेरे पास एक बुलेट है मैं बाइक की बात करूं गाड़ी की बात करते हैं लोग कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए कौन सी गाड़ी लोग बात करते हैं एल्टो हो जाए वैगनार हो जाए छोटी छोटी गाड़ियां आज मेरे पास मर्सिडीज है आज मेरे पास तीन तीन गाड़ियां हैं और की बात करूं एक लड़के का ड्रीम होता है कि यार मैं महीने का पचास से साठ हजार रुपए की मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए मैं आपको बताता तो हूं आज मैं महीने के पैसा आज मैं महीने का पचास हजार नहीं कमाता आज मैं महीने का बीस से पच्चीस लाख के बीच में आता है मेरा आज बीस से पच्चीस लाख के बीच में आज एवरेजन प्रूफ के साथ बीस से पच्चीस लाख रुपए महीने की इनकम पे आज मैं हूं उसके बाद और क्या ड्रीम होता है एक लड़के का ड्रीम होता है कि यार मेरे पास अच्छा आईफोन वगैरह हो आज मेरे पास एक आईफोन नहीं आपको मालूम है आज मेरे पास आईफोन 11 प्रो है आईफोन 7 प्लस है आईफोन 6 है आईपैड मैंने अभी परचेज किया है पिछले वीक मेरे पास मेकबुक है क्या नहीं है आज की डेट में क्या नहीं है मेरे पास आज की डेट में आप मुझे बताइए आज का ड्रीम क्या होता है आज मुझे आप चैलेंज करिए मैं चैलेंज करता हूं हिंदुस्तान के हर यंगस्टर को आपके पास कोई भी ड्रीम है वो मेरे ड्रीम कंप्लीट हो चुके हैं कोई भी ड्रीम आपका ड्रीम होगा विदेशों की यात्रा करना मेरे कंप्लीट हो चुके हैं आपका ड्रीम होगा आवाज आज में बैठना मेरे कंप्लीट हो चुके हैं आपका ड्रीम होगा फाइव स्टार होटलों में स्टे करना आए दिन मैं करता रहता हूं क्या ड्रीम होता है एक यंगिस्टर का ड्रीम क्या होता है क्या ड्रीम कोई ऐसा ड्रीम बताइए जो होता है उसका आज वो ड्रीम मेरे पूरे हो चुके हैं बस अब एक ही मकसद है जो भी हमारे साथ ही आ रहे हैं हमारे साथ उनके ड्रीम कंप्लीट कराना और हो रहे हैं सभी लोगों के ड्रीम कंप्लीट आपने देखा होगा इसी पिछले महीने हरंदर जी सॉरी विजेंद्र जी और सत्यप्रकाश जी का ब्लू डायमंड हुआ और अभी इसी वीक हमारे हरंदर जी साढ़े तेईस लाख रुपए का चेक के साथ आप लोगों के बीच में आ रहे हैं सुशील मलिक जी मेरठ से डायमंड होके आ रहे हैं आप लोगों के बीच में आज मेरे लोग मेरे लोग से पूछते हैं सर आपके आपके और लेवल जल्दी जल्दी जल कब होंगे मैं उनसे एक बात बोलता हूँ है सोचते हैं सोचते हैं टीम के बारे में हम सोचते हैं आ, टीम, की सोच हमें रखती है, टीम के, के अचीवमेंट क्या है आज यहां तक पहुंचा यार मैं बोल सकता हूं प्राउड के साथ बोल सकता हूं और मैं आज आपको एक चैलेंज करने वाला हूं 2000 जो मैं विला कल मैंने बुक किया है उस विला मुझे पजेशन मिलेगा या तो 2022 लास्ट में मिलेगा या 2023 में मिलेगा और मैं चैलेंज करता हूं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डायरेक्ट सेलर है मेरी उम्र में किसी के पास इतना खूबसूरत विला नहीं होगा जो आज मेरे पास है आज मेरे पास फोर बी के घर है और भी छोटी छोटी प्रॉपर्टी परचेज करी है वो अलग है उनको तो हम सोई नहीं करते हैं सोच के देखिए आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं दस दस साल हो गए पंद्रह पंद्रह साल हो गए और फिर भी लगे पड़े यार ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं कोई हम लोग एक दुकान नहीं चला रहे कि दस साल पंद्रह साल बाद चल जाएगी कोई हम नौकरी नहीं कर रहे हैं दस साल बाद बीस साल बाद हमारा प्रमोशन हो जाएगा हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद एक ही होना चाहिए तीन से पांच साल के अंदर आदमी को सफलता मिल जानी चाहिए बहुत सारे लोग किसी कंपनी में लगे हुए हैं उनको सफलता नहीं मिल रही है और फिर भी वहां पर पेशेंस के साथ लगे पड़े पेशेंस बहुत जरूरी है लेकिन तीन से पांच साल का पेशेंस होना चाहिए पांच साल एक दिन का पेशेंस नहीं चलता नेटवर्क मार्केटिंग में पांच साल एक नहीं चलेगा सिर्फ पांच साल का पेशेंस तक चलता है मेरी लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट जो आ पाया है यार क्या अचीवमेंट की बात करूं मैं आप लोगों से आप मेरे से पूछिए ना आज मेरे पास क्या नहीं है कौन सा अचीवमेंट नहीं है आज मेरे पास यहां पर क्या नहीं मिला मुझे आज यहां से आज दो लाख से लोगों का ज्यादा का नेटवर्क है आज हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान सलमान खान ये जितने भी हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो जिंदगी वो जीते हैं वही जिंदगी हम जीते हैं आज बड़े बड़े राजा महाराजा जो जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी हम जीते हैं बड़े बड़े राजनेता जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी हम जीते हैं आज हमारे पास क्या नहीं है आप ये बताइए यार अट्ठाईस साल की उम्र चवालीस पैंतालीस महीने काम किया चवालीस पैंतालीस महीने में यार अचीवमेंट आना यार मैं तो एक ही बात बोलूंगा ताजुब है यार ताजुब है इसके पीछे जो पावर है उस पावर का नाम है महिपाल सर उस पावर का नाम है शिव कुमार सर उस पावर का नाम है अनिल कुरी सर उस पावर का नाम है संजीव सर उस पावर का नाम है मामचंद सर उस पावर का नाम है अमित सर हमारे तीनों एमडी की पावर है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कंपनी का बिजनेस प्लान सोच कर देखिए आज क्या नहीं है आज हमारे पास बहुत सारे लोग आज हमसे बोलते हैं कि सर एक नई कंपनी मार्केट में उसका प्लान ऐसा है उसका प्लान हम चैलेंज के के साथ बोलते हैं यार कोई भी कंपनी आ जाए हमारे सामने बैठ के बात करें, बात कैलकुलेटिव आज अच्छा है क्या आज हमसे अच्छा मार्केट में है क्या चैलेंज के साथ बोलते हैं की पावर क्या है से अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं चैलेंज के साथ बोलते हैं यार हम कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होगा अंबानी साहब बड़े से बड़े बिजनेसमैन है हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन है अंबानी साहब अंबानी साहब भी कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं रिलायंस के अंदर लाख दो लाख दस लाख बीस लाख एक करोड़ एक सौ तीस करोड़ लोगों को जॉब नहीं दे पाएंगे वो लेकिन एसली पेस वाला का एसली पेस का डिस्ट्रीब्यूटर एसलिपीएस वेलनेस का डायरेक्ट सेलर एक सौ पैंतीस करोड़ लोगों को ही एस पेस दे सकता है हमसे बड़ी पावर किसमें यार हमसे बड़ा कौन यार ये हमें समझना पड़ेगा और मेरे अंदर यह बात रहती है हमसे बड़ा कौन है यार और किसी को लगता है यार हमसे बड़ा भी कोई होगा तो चैलेंज के साथ बैठो हमारे सामने एक चेयर पर तू बैठ एक चेयर पर हम बैठते हैं और चैलेंज करते हैं एक कमी दिखा दे सिर्फ सिर्फ हमारे हमारे अंदर एक कमी। हमारे के अंदर एक एक कमी कमी बिजनेस के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कमी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक कमी अगर कोई भी प्रूफ कर जाए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यह कमी है मैं एक ही बात बोलूंगा दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर कोई बिजनेस है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या होता है सबसे बड़ा पुण्य का काम लोग बोलते हैं कि लोगों को खाना खिलाना लोगों को यह करना लोगों की देखरेख करना मैं तो एक ही बात बोलूंगा यार सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है बेरोजगारों को रोजगार देना और आज एसली पे वेलनेस का डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट सेलर किसी भी कंपनी का हो आज वो लोगों को रोजगार दे रहा है तो यार डायरेक्ट सेलर से बढ़िया कौन है कोई भी नहीं है डायरेक्ट सेलर से दमदार कौन है कोई भी नहीं है हमसे बेस्ट कौन है कोई नहीं है मैं चैलेंज करता हूं हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को कोई भी हो और हमारे सामने बैठ और चेयर पे बैठ और हमसे सवाल कर डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा प्रूफ कर अपने बिजनेस को हमसे बड़ा बन के दिखा किसी भी चीज में किसी भी चीज में किसी पॉइंट पे आके हमसे बात कर ले डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं आज भी पैसे इनकम नहीं आती डायरेक्ट सेलिंग में आती है जो सम्मान आज डायरेक्ट से डायरेक्ट सेलर को मिलता है वो कहीं किसी को नहीं मिलता है जो टाइम फ्रीडम आज डायरेक्ट सेलर को मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है आप जाइए किसी भी फील्ड में आप जाइए कोई भी फील्ड आपके सामने हो किसी फील्ड में जाइए आप टेलीकॉम सेक्टर में जाइए आप, आप, आप रियल एस्टेट में जाइए आप ऑटोमोबाइल में जाइए आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाइए आपके पास कोई भी सेक्टर हो आप दुनिया के किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए एसलीपियस वेलनेस या डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा कचाए कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की आप बेस्ट करके दिखाइए डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट या कुछ भी नहीं है जीवन में चाहे कोई भी आप बिजनेस कर लो कुछ भी में भी चले जाओ डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दुनिया में ये मेरा चैलेंज है और किसी को शक हो कि डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट है तेरे पास कुछ तो दोस्त आमने सामने बैठ के बात करेंगे आमने सामने बैठ के चैलेंज के साथ बात करते हैं चैलेंज के साथ कुछ भी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट आप प्रूव करिए आप बताइए आपके पास कोई ऐसा कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट हो यार मैंने इस बिजनेस को बारह हजार रुपये दिए थे साढ़े दस लाख रूपये का लोन था बारह हजार पांच परसेंट ब्याज पे लेके मैंने इस कंपनी को बारह हजार दिया था कंपनी ने मुझे चौदह हजार रुपए का सामान दे दिया तो मेरा क्या गया बारह हजार दिया चौदह हजार का सामान मिल गया पहले दिन दो हजार रुपये का प्रॉफिट मिला मुझे मेरा क्या गया उसके बाद मैंने नेटवर्क बनाया लोग बोलते हैं सर आपने काम किया अरे यार मैंने काम नहीं किया मैं चवालीस पैंतालीस महीने से एसली एस सिलीपीएस में हूं अरे भाई पैतालीस महीने से तू भी हिंदुस्तान की धरती पे है पैंतालीस महीने से तू भी हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं खाना खा रहा होगा पैतालीस महीने से कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा मैंने पैतालीस महीने से मैं एसलपीएस कर रहा हूं पैतालीस महीने से आप कुछ और काम कर रहे होंगे लेकिन पैतालीस महीने का अचीवमेंट अपना देखिए और आप हमारा देखिए चैलेंज के साथ बात करते यार आओ किसी भी कंपनी का कोई भी लीडर हो और चैलेंज करते हैं हम यार आइए मेरी उम्र का कोई लड़का है किसी भी कंपनी में काम करता हो आओ मेरे सामने 18 साल 18 महीने मर्सिडीज खरीदी मैंने एसिलीपीएस वेलनेस से आज मेरी टीम में 11 गाड़ियां हैं बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ग्यारह गाड़ियां है मेरी टीम में आज और दो गाड़ी इसी महीने आ रही हैं लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है इसी महीने दो गाड़ी और आ रही है आइए चैलेंज करिए यार प्रूफ करिए हमारे सामने की क्या बेस्ट है और हम प्रूफ करते हैं यार हमारे पास ये बेस्ट है ये सब कुछ हो रहा है महिपाल गुरु जी की बेस्ट प्लानिंग महिपाल गुरु जी का बेस्ट आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है उनकी प्लानिंग का यार मैं कायल उनकी प्लानिंग का उनकी प्लानिंग उनकी देखरेख में अगर कोई मुर्दा भी आ जाए ना बस वो जैसा जैसा वो बोलते हैं ऐसा ऐसा कर ले कोई भी आदमी तो दो से तीन साल के अंदर वो व्यक्ति करोड़पति पक्का बनता है हंड्रेड परसेंट बनता है हम चैलेंज करते हैं यार खुल्लम चैलेंज कर रहा हूं मैं सोशल मीडिया पे खुल्लम चैलेंज ऐसे ही पेस वेलनेस को ज्वाइन किया था मैंने ज्वाइन करने के अट्ठारह महीने बाद आई थी मेरे पास और अभी चवालीस महीने वो विला में आ गया एक और भी प्रॉपर्टी है यार किन चीजों पे हम हम किन चीजों पे बात करें यार किन चीजों पे हम बात करें किन चीजों पे हम बताएं डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट है किस चीज पे आप बताइए ना कोई ऐसा पॉइंट आपकी नजर में हो जो आपको लगता है डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट भी कुछ है डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है यार कुछ नहीं है मैं प्रूफ कर सकता हूं हर चीज में प्रूफ कर सकता हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग में भी आता है स्लीपेस लोग बोलते हैं यार हमारा कंपनी है हमारी कंपनी वो हाँ यार भाकी है यार जिसमें जो भी आदमी किसी भी कंपनी में काम करता है उसको वो कंपनी बेस्ट लगती है और बेस्ट होनी भी चाहिए क्योंकि कंपनी को हम प्यार करना चाहिए चाहे वो आप कोई भी कंपनी में कर रहे हो कंपनी को प्यार करना बहुत जरूरी है आप किसी भी कंपनी में करो लेकिन कंपनी में देखना चाहिए प्रोडक्ट क्या है बिजनेस प्लान क्या है सिस्टम क्या है अपलाइन कैसे हैं नेट्रो मार्केटिंग में लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण बताता हूं मैं आपको सबसे बड़ा कारण लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे फेल होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है उसका अप्लाइंग उसका अप्लाइंग अपलाइन कैसे क्योंकि अपलाइन की सोच होती है बहुत छोटी बहुत सारे मैं आपको नेटवर्कर दिखा दूंगा इस दुनिया में जो पिछले दस दस साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और दस दस साल से नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद आज भी एल्टो एल्टो वैगनार सेंट्रो से चल रहे हैं आज भी दस साल करने के बाद दस साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद आज भी किराए के घर में रह रहे हैं और किराए के घर में रह रहे हैं अच्छी बात है लेकिन किराए के घर में भी कहाँ रह रहे हैं तीन हजार रुपये किराया चार हजार किराया पांच हजार किराया दस हजार रुपए किराया आज भी बड़ी सोच नहीं आ रही है आज भी कोई आईफोन यूज नहीं कर पा रहे हैं आज भी कौन सा यूज ओपो यूज कर रहे हैं विवो यूज कर रहे हैं साल से नेटवर्क की मार्केटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आइए में नेटवर्कर अरे भैया नेटवर्कर होगा तो अपने घर का अपनी डाउनलाइन को ड्रीम दिखा अपनी डाउनलाइन को ड्रीम नहीं दिखा पा रहा है अपने डाउनलाइन की सोच बड़ी नहीं कर पा रहा है और डाउनलाइन की सोच बड़ी कहां से होती है डाउनलाइन की सोच बड़ी होती है एक्टिव अपलाइन को देखने से हमारे अपलाइन को देखने से मेरी टीम बड़ी नहीं होगी मेरे को देखने से मेरी टीम बड़ी होगी एज एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में कोई फर्स्ट लेवल है फर्स्ट लेवल वाला लीडर सेकंड लेवल वाले लीडर को देखकर मोटिवेट होता है एक्टिव अपलाइन को देख कर लोग मोटिवेट होते हैं महिपाल गुरु ने मुझे एक एक ही बात बताई थी कि अनुज अगर तुझे को बड़ा बनना है तो एक काम कर 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 अपने ड्रीम बड़े अपनी सोच बड़ी कर। मैंने मर्सिडीज खरीदी थी जब मेरा तीस हजार पैंतीस का चेक आता था, था सोचो तीस हजार पैंतीस हजार रुपए हफ्ते का चेक पर मर्सिडीज खरीदना और कंपनी के सबसे पहले मर्सिडीज आई मेरे पास सबसे पहली मर्सिडीज लोगों के चेक और भी थे मेरे से बड़े बड़े चेक थे लोगों के लेकिन मेरे अंदर एक सोच थी कि मुझे सबसे नंबर उन पर गाड़ी खरीदनी है मुझे मर्सी लेनी है और मैं चैलेंज कर रहा हूं यार और अभी मैंने विला लिया है मैं 2020 या 2023 में मैं इस विला की इस विला के अंदर मैं जाऊंगा जब ये बन जाएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा सोसाइटी और उस दिन मैं जब जाऊंगा हिंदुस्तान के और मैंने जो बोला है आज तक मैंने वो किया है ये चैलेंज है क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक शक्ति है जिसका नाम है महिपाल गुरु वो मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं कुछ भी बोल सकता हूं मैं खुल्ला बोल सकता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक पावर काम करती है मेरे साथ मेरी टाउन लाइन काम करती है मेरी टीम काम करती है मेरा एक परिवार है मेरा ड्रीम है जिस दिन मैं उस घर में एंट्री करूंगा उस दिन जो आज तक हिंदुस्तान में किसी भी नेटवर्कर के पास नहीं है उस गाड़ी का नाम है रोल सुरर और मैं उस गाड़ी से उस घर में एंट्री करूंगा ये मेरा चैलेंज है चाहे मुझे इसके लिए रात और दिन मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा मेरे पास तीन साल है मैं तीन साल में वो प्रूफ करूंगा और मैंने आज तक प्रूफ किया है इतनी कम एज के अंदर किसी के पास विला हो तो चैलेंज करें मेरे को तो कोई डायरेक्ट सेलर किसी के पास इतनी कम उम्र के अंदर तीन तीन गाड़ियां हो लग्जरी गाड़ियां चैलेंज करें मेरे को चैलेंज करें आइए चैलेंज करिए आप नहीं है दोस्त आइए चैलेंज करिए हमारे अप्लाइनों को महिपाल गुरु जी मंथली इनका महीने के पैंतीस लाख से ज्यादा बिजनेस करे हो चार साल चैलेंज करिए ना कोई भी आके आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारी कंपनी हमारी कंपनी में एक लीडर का चेक आता है इतना अरे भाई देखो 20-20 साल हो गए उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करते हुए 20 साल और 20 साल जिस दिन अनु शर्मा को एसली वेलनेस में होंगे ना उस दिन दो करोड़ रुपए महीना कमाएगा चैलेंज है यार चैलेंज है यार चैलेंज कर बात करते हैं होगा ये हंड्रेड परसेंट होगा हंड्रेड परसेंट होगा अगला ड्रीम मैंने आपको बता दिया है जिस दिन मैं इस घर में एंट्री करूंगा तो मेरे पास ये रोल सर होगी 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 तो होगी और इसके लिए ही मैं अब काम करने वाला हूं क्योंकि तो मुझे पता है मेरा ड्रीम बड़ा होगा तो मेरी डाउनलाइन के ड्रीम बड़े होंगे मेरा ड्रीम ही छोटा होगा मेरी लुटिया छोटी तो डाउनलाइन के हाथ में कटोरी होगी मेरे पास समुद्र होना चाहिए मेरी सोच समुद्र जैसी होनी चाहिए तो डाउनलाइन जब भी तो बड़ा काम कर पाती है बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं सोच ही बड़ी नहीं कर पाते अपनी तो सोच का खेल है दोस्त बिजनेस में ना सोच का बहुत बड़ा खेल है सोच डेवलप करनी पड़ेगी और हमारे बीच में जो सोच आ रही है वो हमारे कंपनी एम साहब हमारे अपलाइन जितने भी अपलाइन हमारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आज जिंदगी में जो भी परिवर्तन आ रहा है मेरी टीम में या आज में मेरे पास जो भी अचीवमेंट आ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी पावर है जिसका नाम मैं आपको प्राधन बोलना चाह रहा हूं और मैंने कई बार बोला है उनका नाम है महिपाल सर तो दोस्त मैं यही मैसेज देने के लिए आप लोगों के बीच में आया था कि मेरा नेक्स्ट ड्रीम क्या है और मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है मैंने अभी विला यहां से परचेज किया है नेक्स्ट ड्रीम होगा फार्म हाउस भी होगा मैंने आपको बता दिया है और भी बहुत सारी चीजें होंगी ये हम करने वाले हैं और हमें करके दिखाएंगे यार पैसे कमाने का मजा तब है जब पैसा कमा के खर्च किया जाए पैसे कमा के अकाउंट भरने में कोई मजा नहीं आता है कोई नहीं पूछता कोई नहीं पूछता अकाउंट में कितना पड़ा कोई नहीं पूछता आपके पास अचीवमेंट क्या दुनिया उसको सलूट करती है दुनिया उसको सलाम करती है आपके पास अचीवमेंट क्या है हम कमा रहे महीने का बीस लाख साल आज भी ओला करके हम घूम रहे हैं तो किस बात का बीस लाख कमा रहा है डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम क्यों कर रहा है आज महीने का बीस लाख रुपए कमा रहा है, है, है महीने का पंद्रह लाख रुपए कमा रहा है आज भी तू छोटी पांच लाख दस लाख की गाड़ी से घूम रहा है क्यों बदनाम कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग इतना शुद्ध बिजनेस है इतना बड़ा बिजनेस है महीने का दस लाख पंद्रह लाख कमा रहा तो कम से कम ओडी बीएमडब्ल्यू मछली जयगवार ले ये पैसे को कमा के अकाउंट मत भर लोग अकाउंट भरने में लगे पड़े अरे भाई सांस किस दिन निकल जाएगी पता नहीं पड़ेगा कौन सी बीमारी किस दिन बॉडी में लग जाएगी मालूम नहीं चलेगा सारा रखा रह जाएगा अकाउंट बैलेंस यहीं यूज करेंगे बच्चे कुछ नहीं मिल पाएगा जीवन में कंजूस आदमी को आज तक किसी ने सल्यूट नहीं किया है जिसके पास जितने बड़े अचीवमेंट होते हैं उसको दुनिया सल्यूट करती है तो इस बात का ध्यान दें दोस्त हमारा मकसद यही है कि पैसा कमाओ और पैसे के मजे लो पैसा वो एक आदमी ने मुझसे पूछा कि पैसा क्या मैंने बोला पैसा वो जिसके मजे लिए जा सके बाकी तो एक कागज का टुकड़ा होता है इसको भैंस भी नहीं खाती है आप एक काम करो आपके घर में भैंस होगी दो दो हजार के नोट ले जाओ दस पंद्रह भैंसों के सामने डालो सूंघ के हट जाएगी खाएगी नहीं पैसे कमाने का मजा जब जब पैसे कमा के मजे लिए जा सके और ये सोच हमारे बीच में आई तो हमारे गुरुजी की वजह से हमारे गुरुजी ने महिपाल सर में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे फास्ट जैगवार परचेज करी जब उन्होंने जैगवार परचेज करी तो उन्होंने हमें एक रास्ता दिखा दिया अगर मैं जैगवार ले सकता हूं तो आप भी ले सकते हो फिर हमने मर्सिडीज परचेज करी आज मेरी टीम में इतनी सारी गाड़ियां हैं अरे यार मैं हम पैसा कमा रहे हैं मतलब वो नहीं है हम पैसा कमा कितना रहे हैं मतलब ये है हम पैसे के मजे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं मजा तो तब आता है ना पैसे के मजे लिए जा सके और आज हम पैसे के मजे ले रहे हैं यार ऐसे पास का हर फाइटर पैसे के मजे लेता है पैसे के मजे और हम बहुत से बोलते हैं अभी पैसा इकट्ठा कर लो पैसे के मजे लेंगे बाद में अरे भैया बाद में कब लेगा बाद में कब लेगा जिनको कोरोना हुआ है जिनकी कोरोना से डेथ हुई है उनकी भी प्लानिंग ये थी बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे बाद कभी किसी का नहीं आता कल का भरोसा नहीं कल क्या हो जाए आज का भरोसा है आज क्या करना है आज क्या करना है आज का प्लानिंग करनी है हमें आज क्या है हमारे पास कल की नहीं होगा आने वाले समय में क्या होगा आने वाले समय में जो होगा देखा जाएगा आज क्या है वो हमें सोचना है आज क्या है और पैसे में तो एक ही बात बोलूंगा फिर बोलूंगा एक ही बात पैसा वो जिसके मजे लिए जा सके बाकी तो एक कागज का टुकड़ा होता है आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप कभी कुछ परचेज करते हो कभी कुछ परचेज करते हो कभी कुछ परचेज करते हो हकीकत है यार मेरे पास पैसा आता है मुझ पर पैसा नहीं रुकता मुझे पैसा खर्च करने की बहुत गंदी आदत है और इस गंदी आदत की वजह से ही आज मैंने इतना पैसा कमाया है और जिनके अंदर पैसा बचाने की अच्छी आदत है ना वो आज भी मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं वो आज भी छोटी गाड़ियों में घूम रहे हैं जिनके अंदर ये अच्छी आदत है मेरे अंदर गंदी आदत है पैसा खर्च करने की और इस गंदी आदत की वजह से ही आज मेरी टीम इतनी बड़ी बनी दो लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है आज ये अचीवमेंट बन पा रहे हैं आज एस लीपेस वेलनेस का हर डिस्ट्रीब्यूटर मजे ले रहा है अभी आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले हमारे गुरुजी महिपाल सर ने एक न्यूज डाली हमारी कंपनी में कुलदीप मुदगिलजी आज ब्लैक डायमंड हुए हैं सोच के देखिए छत्तीस लाख पचास हजार रुपए का चेक बना है कुलदीप मुदगिल जी का ये बहुत बड़ी बात होती है एक आदमी छत्तीस लाख पचास हजार रुपए का चेक लेता है वन वीक में सिर्फ वन डे एक चेक छत्तीस लाख पचास हजार रुपये का सोचिए आप सोच के देखिए छत्तीस लाख पचास हजार रुपये का एक चेक आना ये आप सभी का भी आएगा अगर कुलदीप मुदगिल जी का आ सकता है तो आपका भी आएगा अभी हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं इस इस महीने रॉयल डायमंड बनने वाले हैं अगर रॉयल डायमंड किसी का चेक साठ लाख का आएगा तो आपका भी आएगा और बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज हो रही है बहुत सारे लोग आज एसली पेस एस बैलेंस में देखिए इतनी गाड़ियां निकल रही हैं और अभी हम लोग फील्ड में निकल चुके हैं अभी हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं उनकी गाड़ियां परचेज होने वाली हैं तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा थोड़ी मेहनत करिए ताकत लगाइए यार हमसे बेस्ट कोई नहीं अपने आप को चैलेंज करिए एक बार की मुझे आज भी बात याद है मैं गेट नोडा में रहता था मैं एक कंपनी करता था और मेरे पास डिस्कवर हंड्रेड सी बाइक थी मैं एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए गया उस व्यक्ति की एज थी चालीस साल और मैंने उसको प्लान दिखाया तो उसने बोला कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं तो उसने बोला ऐसी कंपनी आती और चली जाती हैं ठीक है ना ऐसी कंपनियां आती और चली जाती हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता लाइफ में तो मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है मर्जी आपकी है तो मैं वहां से उठ के चलने लगा तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो बात दिल में लग गई और बोला जाता है बात दिल में लगनी चाहिए तभी बात मजा आता है तो उसने बोला कि आप आपको पता है आप किसको प्लान दिखाने के लिए आए हो मैंने बोला सर बताइए कि आपको पता मेरे है मेरे पास फोर्चूनर है मेरे पास फोर्च्यूनर है उसने बोला तो यार आपके पास बाइक है जिस दिन आपके पास फोर्चूनर हो जाए ना उस दिन आप मेरे को आके प्लान दिखाना अपना तो मैंने उसको एक चलते चलते एक बात बोली थी सर आपकी उम्र कितनी है उसने बोला मेरी उम्र चालीस साल है मैंने बोला सर आपको पता है मेरी उम्र कितनी है तो उसने बोला कितनी है मेरी उम्र सर अभी तेईस साल मैं अभी हूं तेईस साल का और जिस दिन मैं चालीस साल का हो जाऊंगा ना आपके पास तो फोर्चुनर है मेरे पास रोल मेरे पास लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी होगी यार जब हमारा चेक नहीं आता था ना तब भी हमारे इरादे बुलंद थे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था ना तब भी हम बड़ा बोलते थे ये सबसे बड़ा जो पावर है ना मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा ये हमारे एसली पे वेलनेस हमारे गुरु लोगों के हमारे जितने मेंटर्स हैं उनकी वजह से हुआ है मैंने तो एक ही काम किया दोस्त मैंने हमारे अपनाएल ने जो हमसे बोला मैंने वो ही काम किया है इसकी वजह से आज हमारे अचीवमेंट बन पा रहे हैं आज हमारी टीम में कुल हमारे नेटवर्क में हमारी कंपनी में हमारे, हमारे भाई हमारे साथी कुलदीप मुदगिल जी ने साढ़े छत्तीस लाख का चेक लिया है ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे साथी छत्तीस लाख पचास हजार का चेक लेते हैं हमारे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है दोस्त हम उसी कंपनी में हैं जहां पर इतने बड़े काम होते हैं हम उसी कंपनी में जहां हम छत्तीस लाख पचास हजार के चेक बनते हैं और इस वीक आपको बड़े बड़े अचीवमेंट देखने के लिए मिलेंगे क्यों क्यों अच्छी अचीवमेंट आ क्यों रहे इस अचीवमेंट के पीछे जो पावर काम करती है ना वो संजीव सर है वो अनिल कुरी सर है वो महिपाल सर है वो शिव कुमार सर है इनकी देख रेख में मैं तो एक ही बात बोलूंगा यार जो भी व्यक्ति इनकी देख रेख इनकी प्लानिंग में जो भी काम कर लेगा ना उसकी लाइफ में 100 परसेंट बदलाव होगा ही होगा और मैं आप लोगों को एक ही बात फिर बोलना चाहता हूं आज मेरे पास जो भी आज विला जो हमने परचेज किया है कल जो हुआ है इसके लिए मैं सबसे बड़ा कर धन्यवाद देना चाहूंगा तो एक ही धन्यवाद है एक ही शख्स है जिनका नाम है मिस्टर महिपाल सर मेरे गुरु मेरे भगवान मेरे मेंटर आज जो भी कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ और उनका एहसान मेरे ऊपर है हमेशा रहेगा आज मैंने क्या अचीवमेंट लिया है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरा सर हमेशा उनके चरणों में था हमेशा उनके चरणों में ही रहेगा उनकी वजह से आज मेरे पास जो है उनकी वजह से ही है और उनकी वजह से ही रहेगा मैं ये बात बोलूँगा आज मेरे पास जो भी कुछ है गुरु जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है तभी ये सब कुछ हो पा रहा है और मेरी प्यारी टीम आज मेरे साथ है तभी ये हो पा रहा है आप सभी साथियों का इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए आप सभी साथियों का शुक्रिया आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी इतना प्यार हमें देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है आशीर्वाद आप सभी का मेरे ऊपर बना रहे मैं आप सभी में उम्र से बहुत छोटा हूं कभी भी कोई भी गलती हो जाए मेरे पास कॉल करना सारी गलती हो गई है मैं अपनी गलती को पक्का सुधारूंगा बस अपना साथ हमें आप अपना देते रहना और मिलके वो वो इतिहास लिखेंगे जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं लिखा गया है क्योंकि हम रॉयल विनर टीम के लीडर हैं और महिपाल गुरुजी के लीडर हैं हम बहुत बड़ा करके दिखाने वाले हैं और अभी बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग गुरुजी के माध्यम से बनने वाली है आप लोगों के सामने आने वाली है ऐसी ऐसी प्लानिंग पर हम लोग काम करने वाले हैं जो रिकॉर्ड टूटेगा और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनने वाले हैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीक में जितने भी अचीवर्स हैं जितने भी लोगों ने अपने लेवल को चेंज किया है मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और जिन लोगों का आने वाली तीस तारीख तक जिनके भी लेवल चेंज हो रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार, इतना प्यार सम्मान देने के लिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू एस वेलनेस थैंक यू महिपाल सर थैंक यू शिव कुमार सर आप सभी का आशीर्वाद आप सभी का प्यार इस तरह ही बना रहे आने वाले तीन साल के अंदर 2023 तक हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में आज तक कोई रिकॉर्ड हमसे छूट भी गया होगा तो रिकॉर्ड हम तीन साल में तोड़ने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ आप हैं और हमारे साथ गुरुजी हैं बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच